दोस्तों अपनी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द नाइन मैन ईटर्स एंड वन रोग। उसकी 10वीं कहानी है बायरा द पुजारी, उसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बायरा उनको एक मेहंदी की झाड़ियों में छुपा हुआ मिला था नदी के किनारे, जो कि एक शिकारी था और गड्ढा खोद के हिरण वगैरह को अट्रैक्ट करता था और बाद में गोली मारता था। उसने अपनी कुछ कहानियां सुनाई, अपना जिंदगी के बारे में बताया और उनसे वादा लिया एंडरसन से कि वो फॉरेस्ट गार्ड को नहीं बताएंगे कि इसके पास में इलीगल भड़तल बंदूक है, यानी देसी बंदूक है और ये जानवरों को मारता है। उसके बाद उसका नॉलेज से इनको बड़ा फायदा हो रहा था और वो एक जगह पे लेके गया जहां उसने बताया कि टाइगर मिलने की संभावना है और वहां टाइगर मिला भी और इन्होंने गोली भी मार दी। फिर केनेथ एंडरसन ने बोला था कि ये बायरा के नॉलेज का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल अब सेकेंड पार्ट में आएंगे। अब एंडरसन बोलते हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने बायरा को डिस्कवर किया और उस दिन जब वो मुझे मिला था, आज इतना समय बीत चुका है और हमारी दोस्ती और ज़्यादा गाढ़ी होती जा रही है, प्रगाढ़ होती जा रही है। और मुझे वो दिन याद आता है जब वो मुझे मिला था मेहंदी की झाड़ियों में छुपा हुआ, और उस दिन मैंने अपने अंदर के ज़मीर को सुला दिया था जब उसकी कंप्लेंट नहीं की थी फॉरेस्ट गार्ड में, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने ज़मीर को सुला दिया था, नहीं तो बायरा मुझे मिलता नहीं। अब बायरा के बहुत सारे एडवेंचर्स थे, बहुत सारा उसका नॉलेज था, लेकिन ये दो नॉलेज शेयर करना चाहते थे जिसमें से एक में तो बायरा ने अपनी जान तक निछावर कर दी थी इनकी जान बचाने के लिए। उसमें एक था बेयर्स ऑफ तलवाड़ी और दूसरा था मैन ईटर टाइगर ऑफ मुंडा छिप्पलम। तलवाड़ी नाम था एक बड़ी सी वैली का जिसके दो पहाड़ों के बीच से, जिसमें से एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम भी तलवाड़ी ही था। ये जगह करीब 11 मील की दूरी पर थी उस जगह से जहां पहली बार बायरा एंडरसन को मिला था, और ये सालेम डिस्ट्रिक्ट का जो नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन था उसका सबसे घना जंगल वाला एरिया था। तलवाड़ी रिवर जो कि आती है जंगली पठार है अय्यूर के, और वहां से एक तेजी के साथ नीचे जाती है, एक माउंटेनियस गॉर्ज है और उसका नाम लोकली बोला जाता है तोलवू बेट्टा गॉर्ज। एंडरसन उसको बोलते हैं स्पाइडर वैली, क्योंकि यहाँ पे लाल और पीली बहुत सारी मकड़ियां हैं जो जगह जगह पे अपने जाले बना के रखती हैं। ये बड़े बड़े जाले करीब करीब 20 फीट के लंबे होते हैं और साइज में करीब करीब ओवल होते हैं, और बीचों बीच में होती है मकड़ी। मकड़ी भी अच्छी खासी बड़ी होती है, 9 इंच की मकड़ी होती है, आगे वाले पैर से पिछले पैर तक देखा जाए तो। ये मकड़ियाँ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसमें जाल में फंस जाते हैं और उनको आराम से खाती है। और ये जो है मकड़ियाँ आत्मखोर होती है, आत्मखोर वर्ड मतलब कि आदमखोर नहीं, कि अगर इनकी ही प्रजाति की दूसरी मकड़ी इनके जाल में आ गई तो उसको भी लपेट के खा जाएंगी, और अगर इनके जाले में कोई दूसरी मकड़ी आ गई तो उनका आधे से एक घंटे तक इनका बैटल चलता है, युद्ध चलता है, और एक की मौत के साथ ही खत्म होता है। और जब दूसरी मकड़ी मर जाती है तो पहला वाला उसका खून चूसता है, इतना पेट भर जाता है कि फिर बड़ी मुश्किल से वो सेंटर में पहुंच पाता है। अब इस गॉर्ज में जाने के बाद में तलवाड़ी स्ट्रीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दक्षिण की तरफ जो हिस्सा जाता है उसमें पानी कम होता है, और इसके जो स्ट्रीम है इसके किनारे पे है एक तरफ तो पहाड़ माउंट गुथरेन और एक तरफ छोटा सा गांव है कैंपेकराई। ये एरिया पहले जो एक बहुत ही बदमाश हाथी था रोग एलिफेंट ऑफ कैंपेकराई, जिसने 7 इंसान मार दिए थे, 2-3 जानवर मार दिए थे, उसने दर्जनों बैलगाड़ियां पलट दी थी और एक लॉरी पलट दी थी जिसमें कि 3 टन बांस लदा हुआ था, लेकिन ये दूसरी स्टोरी है। अब ये जो स्ट्रीम है इसका ये थोड़ा पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और आगे जाके मांची का फॉरेस्ट ब्लॉक बनाती है, और उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम की तरफ बह चलती है और उस रोड को क्रॉस करती है जो एनचेट्टी से मुथूर और पेन्नाग्राम की तरफ जाती है, पेन्नाग्राम जो कि तलवाड़ी वैली में है और पहले उसका जिक्र किया जा चुका है। ये पूरा एरिया घने जंगलों से भरा हुआ है और पूरे में बैम्बू के बांस की झाड़ियां ऐसी हैं जैसे कि इसके कपड़े पहनाए गए हों। फिर ये नदी जाके कावेरी नदी मिल जाती है और जहां से मिलती है वहीं पे एक मछुआरों का गांव है बिलीगुंडलू। अब ये रिवर स्ट्रीम का जो उद्गम है और जब मुहाना है जहां पे नदी में मिलती है उसके बीच का पूरा एरिया वाइल्ड एलिफेंट के लिए स्वर्ग है। यहाँ पे गौर भी है, बाइसन भी है, इंडियन बाइसन, और टाइगर भी है एक दो, और वो नदी के किनारे किनारे चल के गश्त लगाना पसंद करते हैं। अब ये जो पूरा नदी की वैली है जहाँ लंबी लंबी घास है, चट्टाने भी है, यहाँ पे पैंथर भी है, नहीं लेपर्ड, सांबर डियर, बार्किंग डियर, चीतल डियर, वाइल्ड बोर और जंगली मुर्गे, और जंगली मुर्गे तो इतने हैं जितने मैंने कहीं नहीं देखे। बोले मेरी कहानी शुरू होती है जब बायरा ने मुझे एक लेटर भेजा था जिसको लिखा था वहां के पोस्ट मास्टर ने।
उसने बायरा ने यह बताया था कि बहुत बड़ा लेपर्ड इस इलाके में आ गया है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारे पालतू पशु मार रहा है और वो मुथुर एंचेटी रोड पे अपनी कार्रवाई कर रहा है। और उस लेटर में यह भी लिखा था कि ये पैंथर या लेपर्ड इतना बड़ा है कि जो नॉर्मल टाइगर होता है उससे बड़े साइज का है। अब इन्होंने 5 दिन का टाइम निकाला यानी छुट्टी ली और शॉर्टकट रोड से चल पड़े बायरा की तरफ। अब ये डेंकनी कोटा के जंगलों से होते हुए एनचेट्टी, उसके बाद तलवाड़ी वैली और वहां से पहुंचे मुथुर, जहां इनको मिला बायरा। अब वहां से 15th माइलस्टोन पे आ गए, जो उसने बताया था कि इस माइलस्टोन से इस माइलस्टोन के बीच में ज्यादा कार्रवाई कर रहा है, वहां पे आ गए। अब रोड बड़ी सुंदर भी थी, बड़ी खतरनाक भी थी, बहुत सारे झरने जा रहे थे, रास्ते भी खराब थे क्योंकि उसमें बैलगाड़ियां निकली थी। तो बैलगाड़ियों के निकलने से क्या होता है कि वो जगह जहां उनके टायर, क्योंकि बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उसके ऊपर एक लोहे का वो लगा होता है, उसको हाल बोलते हैं शायद, वो इसलिए लगाते हैं कि टायर मतलब लकड़ी खराब ना होने पाए, और वो उसको गर्म करके लगाते हैं क्योंकि घुस एकदम फिट बैठाना होता है। पहले उसको गर्म कर देते हैं, जब गर्म करके वो फिट बैठ जाता है, ठंडा पानी डालते हैं, तो वो उस लकड़ी को कस के पकड़ लेता है, उतरता नहीं है क्योंकि वो लोहे का होता है। तो जहां जहां से बैलगाड़ी चलती है वो गड्ढा सा परमानेंटली खुद जाता है, बीच का एरिया जहां पे उसके पहिए नहीं चलते हैं वो ऊंचा हो जाता है। तो गाड़ियों के चलने में बहुत दिक्कत आती है जिस इलाके में पुराने वाली बैलगाड़ियां जिसमें लकड़ी के पहिए होते थे। आजकल अक्सर देखे जाते हैं जहां बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी दिखती है उसमें रबड़ के पहिए, गाड़ी वाले ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पहिए होते हैं, वो पहिए नहीं, जो बैलगाड़ी के एक्चुअल पहिए होते थे लकड़ी वाले, उनसे रोड बड़ी खुद जाती थी। तो इनको बहुत दिक्कत हुई गाड़ी ले जाने में। अब वहां जहां इनको पहुंचना था वहां पहुंच के इन्होंने अपना टेंट लगा दिया, और उसके बाद एक कैटल पट्टी जहां जानवर वगैरह रखे जाते थे जो नियर बाई थी उसकी तरफ गए। अब जब इन्होंने पूछताछ करी इस लेपर्ड, बड़े लेपर्ड के बारे में, तो मालूम चला कि ज्यादातर ये झुंड में झपटता है और तब झपटता है जब वो वापस जा रहे होते हैं, और करीब करीब टाइम जनरली 5:30 बजे शाम के आसपास का होता है, और ये झुंड में सबसे बड़ी गाय को ढूंढता है, उसी पर अटैक करता है। कई चरवाहों ने उसको भगाने की कोशिश की तो बदले में उनको जोर की घुर्राहट सुनाई देती है और दांत निकाल के दिखाता है कि चुपचाप चले जाओ नहीं तो फिर बुरा होगा। ये जो लपड़ था किसी खास जगह पर नहीं रहता था लेकिन 4 मील के दायरे में अक्सर दिखाई देता था। अब इन चरवाहों से जिंदा गाय या भैंस मांगना बड़ा मुश्किल था, हालांकि उनको मालूम था कि ये जो गाय और भैंस है उनका बड़ा फायदा करेगी, उनके जो पशु मारे जा रहे हैं लेपर्ड के द्वारा, अगर लेपर्ड मर गया तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन धार्मिक आस्था जो थी वो उनको ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि जिस पशु पे वो आश्रित थे उसी को वो जिंदा बलि चढ़ाने के लिए दे दें ये उनको गवारा नहीं था। लेकिन एंडरसन ने बहुत मेहनत करी समझाने में कि भाई और कोई चारा नहीं है वरना मैं कैसे मारूंगा उसको। अब इनको 2 बेट मिल गई जो कि हाफ ग्रोन से ज्यादा थी, फुल ग्रोन से कम थी, बड़ा इन्होंने क्योंकि समझाया था कि इसमें फायदा वरना मैं कैसे मारूंगा जानवर को। अब उस एक को उन्होंने नदी के पास में बांध दिया और दूसरे को 14th माइलस्टोन के पास में बांध दिया। अब बांधने के बाद ये केवल इंतजार कर रहे थे, हालांकि वहां पे बहुत सारे जंगली मुर्गे भरे पड़े थे लेकिन जंगली मुर्गों को शूट करके लेपर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अब इनका मन ललचा रहा था उन जंगली मुर्गों को मारने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, जिस तरफ वो मिलते थे उसके दूसरी तरफ ये घूमने लगे, और इस उम्मीद में क्या पता टहलते टहलते इनको वो लेपर टकरा जाए, ये उसको मार दे, या धोखे से कोई टाइगर ही मिल जाए। अब तीसरे दिन इनको शाम को 7 बजे खबर मिली कि लेपर ने एक गाय को मार दिया, दूसरी कैटल पट्टी, जहां ये गए वहां नहीं, दूसरी थी। वो भी यही हुआ था कि वो घर की तरफ लौट रहे थे जानवर, तब उसने गाय को मारा था। अब उन पशु मालिकों ने एक रनर भेजा था इनका खबर पहुंचाने के लिए, और ये जो 5:30 से 7 बजे का टाइम लग गया था वो पैदल या दौड़ के जो चलता था हरकारा उसमें लग गया था। अब इन्होंने अपनी राइफल ले ली, टॉर्च ले ली और ओवरकोट ले लिया और बायरा के साथ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी टॉर्च बुझा दी क्योंकि इनके आगे आगे एक चरवाहा चल रहा था जो कि जिसने की खबर भेजी थी, आधा चंद्रमा निकला हुआ था और उससे चांदनी आ रही थी। अब जैसे ही इन्होंने एक शार्प बेंड लिया तो इनको सामने लेपर्ड दिखा जो कि उस गाय को खा रहा था बैठ के। इन्होंने 0.12 बोर की शॉटगन ली हुई थी और बायरा को दी थी अपनी हाथीमार बंदूक विंचेस्टर 0.405। जब तक ये निशाना मारे तब तक लेपर्ड को आहट लग गई और वो कूद के झाड़ियों में चला गया। अब इन्होंने धीरे से बायरा को बोला कि तुम और वो चरवाहा आपस में जोर जोर से बातें करते हुए चले जाओ ताकि लेपर्ड को लगे कि ये लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए, लेकिन ये खुद जल्दी से कूद के एक बेर की झाड़ी के पीछे छुप गए। अब लेपर्ड ने अपनी उद्घोषणा करी, अपनी गुर्राहट बताई कि जो जो है हट जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूं, और उसकी जो आवाज थी जो ह करके आवाज निकालता है उसको लेपर्ड की सॉइंग साउंड बोला जाता है कि लकड़ी के जो लट्ठे काटने वाली आवाज है,
और ये आवाज जो आ रही थी उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ बायरा और वो चरवाहा गया था। बिल्कुल लग रहा था दूर से वो निगाह रख रहा है कि ये लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब उसके बाद करीब 1 घंटे तक शांति छा गई, कोई आवाज नहीं हुई। उसके बाद एक झाड़ी में से निकलने की और टहनी टूटने की आवाज आई। अब इन्होंने देखा तो वो पैंथर शिकार के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी उसी तरफ देख रहा है जिस रास्ते से ये लोग आए थे, मतलब उसको अभी भी शक था। अब इन्होंने कंधे का निशाना लगाया। कई सब्सक्राइबर ने पूछा है कंधे पे गोली मार के जानवर कैसे मर जाता है, तो जब साइड से मारते हैं ना तो कंधे से गोली सीधे हार्ट से निकलती है। वो कंधे को डायरेक्शन के पीछे उनका टारगेट हार्ट होता है, तो उन्होंने कंधे को निशाना लगाया और अपनी राइफल का बटन दबा दिया। जैसे ही राइफल दहाड़ी, लेपर्ड भी दहाड़ा और दहाड़ के करीब 1 मीटर हवा में उछला और जमीन में गिरता उसके पहले ही छलांग मार के झाड़ियों में गायब हो गया जब तक ये दूसरा शॉट मारते। अब हल्की सी गुर्राहट की आवाज वहां से आई थी, इसका मतलब वो घायल हो चुका था। अब इनका मुकाबला था घायल पैंथर से। अब इनको लग गया था उस रात कुछ नहीं किया जा सकता, घायल है पैंथर, उसके पास जाना भी ठीक नहीं है। ये चुपचाप उसी रास्ते से वापस कैटल पट्टी चले गए जहां से आए थे। अगले दिन बायरा और एंडरसन उस जगह पे आए जहां पे इनका एनकाउंटर हुआ था लेपर्ड से, और उस जगह पे गए जहां से वो झाड़ियों में गायब हो गया था। बायरा को ये ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि उसके जो ब्लड स्पॉट्स हैं वो कहाँ पे है, झाड़ियों में नीचे की तरफ थे, लेकिन बायरा ने ढूंढ निकाले। अब इनको जान के खुशी हुई कि जो इनकी बंदूक के छर्रे थे कुछ सही निशाने पर लगे थे। इस बार उन्होंने वो अपनी विंचेस्टर राइफल .405 रख ली थी। एक ही गोली निकलेगी लेकिन ठाक कैसे लगेगी, इसमें छर्रे निकलते थे, दाएं बाएं हो जाते थे, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते थे। और पीछे पीछे बायरा चल रहा था, उनको रास्ता बताते जा रहा था कि लेफ्ट लो या राइट लो। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था, आगे बायरा को नहीं चलाया था कि ये बंदूक लेके चल रहे थे, अचानक से अगर लेपर्ड चार्ज करेगा, क्योंकि वो घायल लेपर्ड है तो ये उससे निपट लेंगे, बायरा ट्रैकिंग ढंग से कर पाएगा। अगर बायरा आगे चलेगा उसका दिमाग इस तरफ रहेगा कहीं लेपर्ड ना आ जाए। करीब 100 गज जाने के बाद उनको वो जगह मिली जहां पे उस लेपर्ड ने आराम किया था। वहां पे खून भी था और पूरी आउटर बॉडी लाइन सी बनी हुई थी। उसके बाद एक नीचे को सकरा नाला था, उसमें फिसल के नीचे चला गया था। अब उसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी, उसमें जाना खतरे से खाली नहीं था। अब आगे जाने के पहले उन्होंने पूरी तरह से स्कैन किया कि जाना ठीक है कि नहीं, बड़े संभाल संभाल के एक एक कदम बढ़ाया। अब ये बहुत ही संभाल संभाल के कदम रख रहे थे क्योंकि उनको पता था चित्तीदार खतरा इसके अंदर ही है, वो जिंदा है कि मर गया कोई आइडिया नहीं। अब ये कुछ पेड़ थे, हर चीज को स्कैन करते हुए जा रहे थे। थोड़ा ही आगे बढ़े कि एक बड़ी काली आकृति उनके सामने आई और एक छोटी आकृति भी आई। ध्यान से देखा तो ये भालू थी, माँ भालू थी और साथ में उसका बच्चा था, जिन्होंने गड्ढा ताजा ताजा गड्ढा खोदा था और यहाँ पे वो आए थे जड़े खोदने, जड़े खोद के खाते हैं भालू। अब अपने दो पैरों पर खड़ी हुई और उसके गले में जो सफेद रंग का वी निशान होता है वो इनको साफ साफ दिख रहा था, और उसकी जो छोटी छोटी आंखें थी उसमें गुस्सा था। अब वो अपने चार पैरों पे आई और इनकी तरफ दौड़ी। इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी बंदूक की नाल उसके मुंह में ही डाल दी और गोली चलाई। उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए एक शिकारी की जिंदगी में, मिस फायर हो गया, यानी कि बंदूक की गोली ट्रिगर दबाने के बाद भी चली ही नहीं। अब भालू ने अपना मुंह बंद कर दिया तो वो बंदूक की नाल उसके पकड़ में आ गई और एक पंजा मारा, इनके हाथ से बंदूक छूट गई। और जब बंदूक छूटी तो जमीन पे गिरने के पहले 1-2 सेकंड तक वो अपने मुंह में पकड़ी रही उसको। अब वो तब तक में इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और वो अपने दो पैर पे खड़ी हुई इनका फेस पे हमला करने के लिए। भालू का पहला टारगेट आदमी का फेस होता है। जब भी आप भालू के अटैक देखेंगे तो फेस या स्कल का ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट हमेशा आदमियों का उखड़ा मिलेगा भालू के अटैक में। जैसे ही वो इन पर हमला करने वाली थी, बायरा ने अपनी दोस्ती निभाई और अपने आप को आगे कर दिया। तो बायरा भालू और एंडरसन के बीच में आ गया और जोर से चिल्लाया पूरी ताकत से। वो उसकी आखिरी कोशिश थी कि ये भालू डर जाए और भाग जाए या इसका ध्यान डाइवर्ट हुआ। वो डरी नहीं, भागी नहीं, हाँ उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। अब उसका ध्यान एंडरसन से हटके बायरा के ऊपर आ गया। अब जैसे ही भालू ने अपना मुंह से हमला किया उसके सिर पे, बायरा ने अपना सिर हटाया तो उसके जो दांत थे वो कंधे पे गड़ गए। अगले पंजे से उसने बायरा की छाती में ऐसे स्क्रैच मारा, बायरा नीचे गिर गया, भालू उसके ऊपर। ये उछल के गए वो राइफल जो गिरी पड़ी थी उसकी तरफ, वो जो मिसफायर्ड कार्टेज थे उसको बाहर निकाला। अब टेंशन ये हो गया कि जब वो राइफल गिरी थी राइफल जाम हो गई थी। बायरा दर्द से जोर से चिल्लाया और भालू गुस्से से चिल्लाया। अब इन्होंने बंदूक को उठा के उसके बट को लाठी की तरह से भालू के सिर पे मारा। अब वो चोट जबरदस्त लगी थी तो भालू ने बायरा को छोड़ दिया और बंदूक का बट अपने मुंह से पकड़ लिया। अब की बार उसने बट से पकड़ा था तो वहां से छीन रही थी, और ये जब झूमा झटकी चल रही थी उस टाइम पे उसका बच्चा
बड़ा ही डरा हुआ देख रहा था उसको, सिर्फ झगड़ा दिखाई दे रहा था, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कभी उसकी माँ, कभी बायरा, कभी एंडरसन। तभी अचानक माँ का ध्यान बच्चे पे गया और उसने बंदूक छोड़ दी और भाग के अपने बच्चे की तरफ चली गई। अब उसने बच्चे को सूंघा कि बच्चा ठीक है, और जिस तरह से वो अचानक से आई थी उसी तरह से अचानक से गायब हो गई। अब दूर से थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी, वो लग रहा था जैसे वो बच्चा ही आवाज निकाल रहा है, और बोले ये घटना सपनों में भी आती रही एंडरसन को। अब बायरा के काफी चोट आई थी, बहुत तेज खून बह रहा था और उसको बहुत दर्द हो रहा था। इन्होंने अपना कोट उतारा, उसके चारों तरफ लपेट दिया कि ब्लड लॉस कम हो। अब इन्होंने बायरा को अपनी पीठ पे उठाया और अपनी राइफल टांगी और उसको कैटल पट्टी तक लेके आए, वहां उसको चारपाई पे लिटाया। चारपाई को चार चरवाहों ने उठाया और यह कैंप लेके आए जहां इन्होंने आयोडीन डाला। जल्दी से कैंप उठाया और तेजी से इनकी कार दौड़ रही थी पेन्नाग्राम की तरफ, जो कि 15 मील की दूरी पर था। अब वहां डिस्पेंसरी में उसका फर्स्ट एड इलाज चालू हुआ, तब तक में बायरा बेहोश हो चुका था। उसके बाद जल्दी से इन्होंने फर्स्ट एड करा के कार में डाला बायरा को, तेजी के साथ 60 मील की दूरी पर सालेम गए जहां एक प्रॉपर बढ़िया हॉस्पिटल था। पेनिसिलिन उस टाइम पे उतनी पॉपुलर नहीं थी और पहला हफ्ता हॉस्पिटल में बायरा ने गुजारा जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हुए। ये बायरा के साइड में बैठे रहते थे और उस दिन इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब डॉक्टर ने बोला कि बायरा खतरे के बाहर है। अब ये पेन्नाग्राम पहुंचे जहां बायरा और उसके बच्चे आके बैठे हुए थे और खबर का इंतजार कर रहे थे। अब इन्होंने बायरा की वाइफ और उसके बच्चों को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करी और इनका बड़ा इनको सरप्राइज हुआ जब इनको कीड़ों की खाई हुई लेपर्ड की स्किन दी गई, वो लेपर्ड जिसको ये भूल चुके थे, जिसको ये ढूंढने जा रहे थे और भालू ने अटैक कर दिया था। तो हुआ ये था कि वो जानवर जहां पे इन्होंने गोली मारी थी 200 मीटर दूर मर गया था, उसको ढूंढने ही जा रहे थे कि इनपे भालू का अटैक हुआ था। बाद में गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे, उसको देख के चरवाहों का ध्यान गया तो उन्होंने खाल को उठा लाए थे, हालांकि गिद्धों ने भी खराब कर दिया था और कीड़ों ने भी खराब कर दिया था। साइज बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं लेपर्ड का, लेकिन उस खाल को संभाल के नहीं रखा जा सकता था। अब ये सालेम वापस आए और इन्होंने हॉस्पिटल में उतने पैसे दिए जितने कि उसके इलाज के लिए, उसके खाने पीने के लिए जरूरी थे और बाद में उसके मठूर लौटने के लिए जरूरी थे। करीब 2 महीने बाद बायरा वापस अपने घर जा पाया और उसकी चाल में लंगड़ाहट आ चुकी थी क्योंकि मसल शॉर्ट हो गई थी, जब ज्वाइंट किया गया मसल को शॉर्ट हो गई थी, तो हल्का सा एक पैर छोटा हो गया था और उसके शरीर पर डरावने दाग हमेशा के लिए थे जो उसको इस घटना की याद हमेशा दिलाते। इनकी बंदूक को भी रिपेयर की जरूरत थी क्योंकि उसमें भी मादा भालू के दांतों के निशान थे। तो ये इस तरह से एडवेंचर था जिसमें कि खूनी भाईचारा बना एंडरसन और बायरा के बीच में, और एक ऐसा विश्वास बना कि जिसमें एक इंसान ने दूसरे के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। अब बहुत साल बीत गए जब ये दूसरी कहानी जब उन्होंने कहा था बायरा के साथ की, मैन ईटर ऑफ मुंडा चिप्पलम, मुंडा चिप्पलम या उसका एक्चुअल तमिल ट्रांसलेशन था हॉलो या मुंडाची, एक छोटी सी नदी के बारे में था जो कि घाट सेक्शन से निकल रही थी। करीब करीब आधे रास्ते में एक जो पठारी एरिया था, ये घाट सेक्शन समुद्र से करीब 700 फीट की ऊंचाई पर था और जो 2000 फीट ऊंचा पेन्नाग्राम का प्लेटू था उसके आधे रास्ते में ही पड़ता था। अब एक फिशिंग विलेज था ऊटाई मलाई, और उस ऊटा मलाई जिसके पास में ही बड़ा ही फेमस वाटरफॉल था होगे नायकाल का, उसके पास थी ये जगह। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुआं बनाया था मुंडा चिप्पलम के पास में, तो ये बनाया गया था कुआं जानवरों के पानी पीने के लिए, जो कि बैलगाड़ी खींचते वक्त भैंसे या बैल आते थे, अच्छा खासा हैवी लोड लेके आते थे, और ये जगह थी जहां से उनको काफी पेन्नाग्राम की चढ़ाई चढ़नी होती थी, उसके पहले पानी पी ले, आराम कर ले, इसके लिए पानी की व्यवस्था की थी। अब ये पूरा जो ये जो कुआं था ये चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था और जो रोड थी एक रिबन की तरह से यहाँ से निकलती थी, और ये जो रोड थी ऐसे एंगल्स पे काटती थी कि यहीं से इनकी ये कहानी शुरू होती थी और ये खत्म होती कई सारी लोगों के डेथ के साथ, और जिनमें इनका एक शिकारी रंगा मरते मरते बचा था। अब सुबह सुबह के 7:30 बजे थे और जो घास पे और पूरे जंगल में जो ओस की बूंदें थी वो डायमंड की तरह से दिख रही थी, सूरज के उगते सूरज की जो किरणें थी उसको बहुत ही सुंदर बना रही थी। अब एक आदमी और 2 औरत अपने सिर पर टोकरियां लेके जा रहे थे जिसमें कि उन्होंने मछलियां रखी थी जो रात को जाल लगा के कावेरी नदी में उन्होंने पकड़ी थी। अब आदमी लोग थक गए थे तो उन्होंने कुएं के पास रुके, आदमी ने एक रस्सी खोली अपने कमर से बांधी और उसमें दूसरे एंड पे एक लोटा बांधा जो कि एक लेडी कैरी कर रही थी, और उसको पानी में डाल दिया ताकि ठंडा ठंडा पानी
पी के अपनी प्यास बुझाए। अब साफ सफाई रखने के लिए जो विलेज का कस्टम है कि पानी लोटे को मुंह लगा के नहीं पीते, ऐसे ऊपर से करके धार बना के डालते हैं ताकि लोटा जूठा ना हो, और वो जो धार थी बिल्कुल सिल्वर कलर की दिख रही थी। अब जो मछलियां हैं उनको पेन्नाग्राम के मार्केट में ले जाया जा रहा था, उस चढ़ाई को चढ़ने के पहले ये आखिरी पानी का स्रोत था, उसके बाद पानी मिलने वाला नहीं था। अब ये दोनों लड़कियां जो थी करीब 20 साल की उम्र के आसपास थी, उन्होंने साड़ी पहनी थी और ऊपर कुछ नहीं पहना था, साड़ी को अपने दोनों कंधों के बीच से लपेट के बांधा हुआ था, स्किन का कलर डार्क था और उनकी स्किन चमक रही थी जब वो धूप की किरणें उस पर पड़ रही थी। वो तरोताजा लग रही थी, हालांकि वो अच्छा खासा हैवी लोड नदी से कैरी करके लाई थी मछलियों के रूप में। अब वो सब लोग बैठ गए, उन्होंने पान निकाला, उसमें सुपारी वगैरह काट के डाली, चूना डाला और उसको उन्होंने खाया कत्था वगैरह डाल के। थोड़ी देर में वो पूरा जो कत्थे की जो पान से जो लाल हो जाता है मुंह, उन सबका मुंह लाल हो गया। उसी टाइम पे कुएं के पीछे से सरसराहट और बड़ी कर्कश टाइप की आवाज आने लगी। बीच बीच में आवाज आती थी और आवाज रुक जाती थी। अभी तूने एक जगह इकट्ठा हो गए और घबरा गए, क्या चक्कर है, आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि या तो एक कोई घायल हिरण है, जंगली कुत्ता है या जंगली सुअर है जो कि किसी शिकारी की गोली से घायल हो गया है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, बार बार गिर जाता है फिर खड़ा होने की कोशिश करता है। अब इस आदमी ने सोचा कि एक तो खाने के लिए बढ़िया मांस मिल जाएगा और दूसरा जो साथ में दो लड़कियां थी उनको इम्प्रेस करने के लिए यह आदमी खड़ा हुआ, हाथ में पत्थर लेके उस तरफ बढ़ चला। साउंड रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, आगे बढ़ता गया, एक बबूल का पेड़ था वहां पे, और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दो टाइगर वहां पे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। अब जो नॉर्मल टाइगर होता है उसके साथ तो आप थोड़ी बहुत लिबर्टी ले सकते हो। एक बार की किस्सा बता रहे हैं कि ये मछली पकड़ने गए थे तो 15 फीट की दूरी पर ही अचानक से टाइगर आ गया था, और ये कहना बड़ा मुश्किल था कि ये ज्यादा डर गए थे कि टाइगर ज्यादा डर गया था। एक दूसरे की प्रेजेंस को देख के टाइगर जहां से आया था वहीं से देख के वापस चला गया। इनके पास बंदूक नहीं थी, फिर भी ये अंदर से उत्सुकता थी कि देखूं क्या पता कोई जानवर मारा हो। लेकिन इनको आता देख के वो जैसे गांव का कुत्ता होता है वैसे उस तरह से भाग भाग के गायब हो गया। लेकिन कई बार टाइगर को प्राइवेसी चाहिए होती है, या कई बार अपने साथ वाली जो फीमेल होता है उसको दिखाने के लिए गुस्सा करता है। यहाँ पे वो टाइगर ऐसी ही कंडीशन में था, 2 सेकंड के अंदर दहाड़ा उछला और वो जो मछुआरा था उसके पीठ पे था वो, और अपने दांत से उसने उसकी पीठ फाड़ दी, ऑलमोस्ट स्पाइनल कॉर्ड फाड़ दिया। वो आदमी जरा सी भी आवाज नहीं निकाल पाया और गिर गया, टाइगर उसके ऊपर था। अब वो जो दो लड़कियां थी उन्होंने आवाज सुन ली थी, वो पहचान गई कि ये टाइगर की आवाज है, वो उसी रास्ते से वापस भाग गई जहां से वो आई थी, उटाई मलाई। इस टाइम पे उस शिकार को खाया नहीं गया, टाइगर ने खाया नहीं, वो गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था, उसका दंड दिया गया था। लेकिन उस टाइगर को मालूम चल गया था कि ये आदमी बड़ा आसान शिकार है, कोई विरोध नहीं कर पाता, एक दो पंजों पे ही खत्म हो जाता है। सेम अगली बार भी हुआ, एक लकड़हारा आ रहा था, उसने टर्न लिया कुएं के पास ही, अचानक से टाइगर सामने आ गया था, एक दहाड़ एक कूद आदमी की मौत, उसके बाद भी इस बार भी उसने आदमी को नहीं खाया। कुछ महीने बीत गए और एक औरतों की पार्टी जो कि जंगल में इमली इकट्ठे करने गए थे वो लौट रहे थे, एक औरत पीछे रह गई थी और अब वो उसने अपनी जो वो थी बास्केट थी उसको वो उठाने के लिए सिर पे उठाने के लिए झुकी, जैसे ही उसकी निगाह ऊपर उठी दो खतरनाक आंखें उसे घूर रही थी। फिर एक दहाड़, इस बार औरत ने थोड़ा चिल्लाया, कूदा, दांत गड़ा दिए, औरत मर गई। इस बार जब दांत गड़ाए थे तो उस औरत की जुगलर वेन, जो गले की मेन नस होती है ब्लड सप्लाई की, वो कट गई, उसमें से खून आया और हल्का सा नमक के टेस्ट वाला जो आदमी का खून था वो अपने आप ही टाइगर के मुंह में आ गया, और यहां जन्म लिया मैन ईटर टाइगर ऑफ मुंडा चिप्पलम ने। उस औरत को वो थोड़ी दूर झाड़ी में घसीट के ले गया, पूरा निगल लिया, केवल हाथ पैर और सिर बचा था। अब जल्दी जल्दी 3 घटनाएं और हुई, एक तो 7th माइलस्टोन पे उसी रोड पे, दूसरा कावेरी और चिनार नदी के संगम के पास में, और तीसरा उटेमलाई के पास में। इन तीनों केसेस में या तो पूरा खा लिया गया था या आधा खा लिया गया था लाश को। अब जो लास्ट किल इसने किया था उससे पूरा हंगामा मच गया और पूरे गांव वाले आ गए अथॉरिटीज के पास में कि इस मैन ईटर से उनको छुटकारा दिलाया जाए, उनकी डेली लाइफ इफेक्ट हो गई है, वो घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, खेतों पर जा नहीं पा रहे हैं। वहां पर रंगा शिकारी मौजूद था, उसने बोला कि वो एंडरसन से बोलेगा कि इस टाइगर को मारा जाए, और बस पकड़ के बैंगलोर आया। अब बोले कहानी की इस जगह पे रंगा के बारे में भी कुछ शब्द बोलना बनता है।
रंगा भी मुझे उसी तरीके से मिला था मुथुर में जैसा कि बायरा मिला था। रंगा एक बैलगाड़ी को हाँकने वाला गाड़ीवान था जो कि कटे हुए बांस पेन्नाग्राम तक लेके जाता था। लेकिन रंगा पार्ट टाइम शिकारी भी था, और जिस तरह से बायरा वो भड़तल बंदूक जो मैच लॉक थी उसको लेके जाता था, वैसे ही ये भी लेके जाता था। इसके पास अपनी नहीं थी, किराए पे लेके जाता था। लेकिन बायरा से इसकी पर्सनालिटी अलग थी। ये लंबा था, थोड़ा स्ट्रांग था, और बायरा दुबला पतला था, और ये अपनी पर्सनालिटी से ही पॉजिटिव दिखता था और अपनी बात को पूरी पावर के साथ रखता था। और 1 साल जेल में भी गुजार के आया था। इसने अपनी पहली बीवी का मर्डर कर दिया था, उसके गले में चाकू मार दिया था। जलन वाली लड़ाई हुई थी इनके बीच में। अब ये जेल से वापस आया, इसने दोबारा शादी कर ली। जब ये मिले तब उसके कुछ बच्चे थे, बाद में उसने एक और शादी कर ली। अब उसके 1 दर्जन बच्चे थे। अब वो ग्रैंडफादर भी बन गया था। उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो थे वो बायरा से ज्यादा थे। इन्होंने कभी देखा था कि एक वहीं के निवासी को डांट भी रहा था कि उसके ऑर्डर को क्यों नहीं माना गया। और वो देसी शराब के धंधे में भी लिप्त था, मतलब साम नाम दंड भेद हर काम वो जानता था। उसकी बनाई हुई कच्ची शराब ये पी चुके थे, वो बोल रहे बिल्कुल पहली धार का माल वो बनाता था। और ये बायरा के कंपैरिजन में थोड़ा डिसऑनेस्ट था। अब रंगा जलता था कि ये जो इनका पुजारी की तरफ जो इनका झुकाव है उससे जलता था, लेकिन वो एक बहादुर आदमी था और मुसीबत पड़ने पे सीना तान के खड़ा हो जाता था, और वह जंगल में किसी से नहीं डरता था। अब जिस टाइम पर रंगा इनको बुलाने आया कि चल के मैनेटर को मारो, उस टाइम पर ये अपने जो जॉब था उसमें इतने बिजी थे कि जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने बोला कि मैं आऊँगा जल्दी ही। इन्होंने बहुत सारे लिफाफे अपना एड्रेस लिख के और स्टैम्प चिपका के दिए कि एक एक मिनट की खबर या जो जो एक एक दिन का इवेंट है चिट्ठी में लिख के डाल दो तो मुझ तक पहुंचे। अब इन्होंने जो मना कर दिया था उसकी वजह से 2 ट्रेजेडी और हो गई वहां पे। टाइगर ने मार दिया, मैंने मना किया, यही बात इस बात के लिए जिम्मेदार थी। उसके बाद ये पहुंचे पेन्नाग्राम से, रंगा को कार में बिठाया, आगे गए बायरा को लेने, और फिर पहुंचे उटाई मलाई। और उसके बाद इनको मिला तीसरा शिकारी जिसका नाम था साउरी। ये साउरी भी वर्सेटाइल आदमी था। 3 महीने जेल में काट के आया था क्योंकि अपनी भड़तल बंदूक से उसने एक हाथी को मारा था। अब हुआ यह था कि यह ज्यादा बड़ा हाथी नहीं था, फीमेल हाथी थी। जहां यह साउरी छुपा हुआ था किसी शिकार ट्रिप पे, वहां हाथी सामने आ गया और आत्मरक्षा में इसने गोली चलाई थी क्योंकि इसको लगा था कि हाथी इसको मार देगा। इसने निशाना लिया और इसके लेफ्ट कान के पास में वो देसी बंदूक का छर्रा लगा। हाथी रास्ते में ही गिर गया, लेकिन बदकिस्मती से सौरी रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कोयम्बटूर में शूटिंग से लौट रहे थे, और उसके बाद इन्होंने इस हाथी की फोटो भी खींची थी जब ये सौरी से मिले। एंडरसन बोलते हैं बड़े भाग्यवान थे कि इनको इन तीनों डिफरेंट क्वालिटीज वाले आदमियों की सहायता मिली जो इनके बहुत काम आई। बायरन को स्काउट करके ले गया नदी के किनारे जंगलों में, और जो कोयम्बटूर के साइड पे जो जंगल का एंड था। अब बायरा बिल्कुल जहां पे टाइगर छुपा है वहां जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने मना किया कि ये तो बिल्कुल आत्महत्या है। इन्होंने बोला तुम सौरी को ले जाओ, उसके पास में इनकी राइफल रहेगी। और एक और शिकारी इनको मिल गया था जिसका नाम था लुकास, जो कि गवर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट में वॉचर था। रंगा को ड्यूटी दी गई कि वो जाके 3 बेट्स भैंसे वगैरह अलग अलग जगह पे बांधेगा। जानवरों को लेने में वही दिक्कत आ रही थी जो पहले आ रही थी कि लोग देते नहीं थे, लेकिन रंगा ने अपनी क्वालिटी से किसी को धमका के किसी को फुसला के वो ले आए। बोले किस तरह से लाया मुझे नहीं मालूम। पहली बेट वही बांधी जहां पे चिनार नदी कावेरी नदी से मिलती थी, दूसरी करीब 3 मील दूर जहां पे मुंडा छिप्पलम मिलती थी चिनार से, और तीसरी बेट वहां बांधी वो जो कुआं था जहां पहले मेटिंग टाइगर ने अटैक किया था। अब सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं। बायरा स्काउट कर करके टाइगर को ढूंढने जाता था, ये दूसरे तरफ एक लोकल गाइड को लेके राइफल लेके घूमते थे टाइगर को ढूंढने के लिए। और जो रंगा था उसका काम था कि रोज बेड पे विजिट करो, देखो किसी को खाया तो नहीं है, उनको पानी दो, उनको चारा दो। 4 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। टाइगर के पैरों के निशान मिले जरूर, लेकिन वो थोड़ा पुराने थे, और ये भी श्योर नहीं था कि ये मैन ईटर के हैं कि किसी दूसरे टाइगर के। इस बात की संभावना तो मुश्किल ही लग रही थी कि वो मैन ईटर कैटल किलर बन गया हो, क्योंकि आदमी अब जंगल में जा नहीं रहे थे, घरों में भी टाइमली लॉक्ड हो जाते थे, तो उसको आदमी ना मिल रहे हो तो वो जानवर खाने लगा हो। क्योंकि रोड पे पर्याप्त ट्रैफिक था, जो कावेरी नदी की तरफ से रोड आती थी उसमें अच्छे खासे लोग चलते थे, अगर उसको आदमी मारना था तो उसके पास ऑप्शन था। इन्होंने अपनी प्रेजेंस जो थी उस इलाके में पूरे में फैलवा दी थी ताकि सारे गाँव के लोग को पता हो कि एंडरसन यहाँ पे हैं, तो अगर कोई भी मैन ईटिंग वाला केस हो या मैन किलिंग वाला केस हो तो इन तक फौरन रनर भेज के खबर भेज दी जाए। अब बायरा ने अपनी एक्सपर्टाइज से पता लगा लिया कि टाइगर कहाँ है और कहाँ लेटा है। अब बीटिंग तो ऑर्गेनाइज की नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वॉलंटियर होते भी तो बड़ा खतरा था, क्योंकि टाइगर किसी ना किसी वॉलंटियर को ही उठा ले जाता है।
लेकिन दूसरी बात कोई आने को भी तैयार नहीं था। पांचवें दिन इनको मालूम पड़ा कि पानापत्ती कैटल बेल्ट जो है, कैटल पट्टी जो है, वहां पे एक आदमी को मार दिया पिछली शाम को, और उस जगह से करीब 4 मील दूर थी। वो केवल अपने घर से 100 गज की दूरी पे गया था अपने कुत्ते को बुलाने, जो कि नहीं मिल रहा था। अब वो आदमी नहीं मिल रहा था। ये जल्दी से उस जगह पहुंचे और बायरा ने वो जगह पता लगा ली कि जिस स्पॉट पे टाइगर ने उस आदमी को उठाया था। अब वहां पे पैरों के निशान भी थे, पग मार्क भी थे, उसके बाद घसीटने के निशान भी थे। नदी की तरफ ले गया था, फिर उसके बाद वो जंगल की तरफ ले गया था। वहां पे बांस का झुरमुट था और वहां पे इनको बॉडी मिल गई, ऑलमोस्ट पूरी खाली थी। अब बैठने लायक कोई पेड़ नहीं था, वहां पे बांस का ही झुरमुट था जिसके ऊपर मचान बना के बैठा जा सकता था, और जिसकी की दूरी थी 30 फीट, जहां वो उसकी थोड़े से अवशेष बचे थे उस इंसान के। अब इन्होंने बोला कि तुम मचान मत बनाओ, बायरा से बोला, अंदर से 8-10 बांस जो है काट दो, तो बांस के झुरमुट के अंदर बीच में एक जगह बन जाएगी जहां बैठ पाएंगे। अब इन्होंने बोला कि तुम जो बांस है उसको जमीन से 4 फुट ऊपर से काट दो, 4 फुट के बाद फिर काट दो, बीच के 4 फुट के हिस्से निकाल लो, ऊपर वाले क्योंकि इतने घने उसमें बांस में फंसे हुए हैं कि नीचे गिरेंगे नहीं, झूलते रहेंगे, नीचे इनका प्लेटफॉर्म हो जाएगा, बीच में छोटी सी गुफा तैयार हो जाएगी। अब ये बोले बड़ी सुरक्षित जगह तैयार हो गई थी क्योंकि ये बीचों बीच में थे, टाइगर किसी भी तरह से इन पे अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि एक तरह से बांस के पिंजरे के अंदर थे। फ्रंट पे जो बंदूक के लिए और देखने के लिए जो जगह छोड़ी गई थी वहां से वो अटैक कर सकता था, लेकिन इनके पास बंदूक थी तो फ्रंट को ये संभाल ही सकते थे। अब बायरा इनका बड़ा वफादार था, उसने बोला मैं भी आपके साथ बैठूंगा। ये चाहते भी थे कि वो बैठे, लेकिन वो जो जगह बनी थी इतनी नहीं थी कि दो आदमी बैठ सके। बोले और बांस काटते तो जो ऊपर वो लटके हुए थे बांस, वो गिरने शुरू हो जाते, एक तो उनकी आवाज से डिस्टर्बेंस होता, दूसरा जब वो गिरे रहते हैं तो टाइगर को भी पता चलता कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो भी डर जाता। अब इन्होंने अपनी जो शॉटगन थी उस पे अपनी टॉर्च को बांध लिया प्रॉपरली, और विंचेस्टर राइफल भी रखी थी जिसमें कि खुद अपना लाइट अरेंजमेंट था। अब जहां ये बैठ गए, उस दिन चांदनी रात होने वाली नहीं थी, अंधेरा होने वाला था, इसलिए इन्होंने टॉर्च का इंतजाम किया। सांप से भी, इनको सांप का भी डर नहीं था क्योंकि जमीन पे नहीं थे, 4 फुट ऊपर थे, ऊपर से पूरे बांस के झुरमुट लटक रहे थे तो ओस भी नहीं गिर रही थी, बड़ा एक कंफर्टेबल सा एटमॉस्फेयर था। दोपहर के 1 बजे सब कुछ तैयार हो गया है तो उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ। बारा जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने बोला कि चिनार रिवर पे कल सुबह मिलना, अब 17 घंटों के लिए ये अकेले रहने वाले थे। अभी बोल रहे मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मुझे बाकी तरफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सामने की तरफ दिख रहा था जो ओपन सा एरिया था, और जो उस आदमी के अवशेष पड़े हुए थे वो दिख रहा था। अभी बोल रहे अभी तो ये माहौल है कि मैं देख पा रहा हूं, लेकिन रात को मामला उल्टा हो जाएगा, जब अंधेरी रात हो जाएगी मैं टाइगर को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन टाइगर मुझे देख पाएगा उस छोटी सी जगह में अगर उसने देख लिया तो। अब जो आदमी के रिमेन्स पड़े हुए थे, छोड़ दो उसकी थोड़ी बची हुई बॉडी थी, उसके ऊपर बांस के झुरमुट थे तो वो गिद्धों को नहीं दिख रहा था, लेकिन कीड़े आ चुके थे और उसकी बदबू भी इतनी आने शुरू हो गई थी कि इनको बदबू परेशान कर रही थी। अब एंडरसन बोलते हैं कि यहां मैं आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करूंगा कि जंगल में किसकी किसकी आवाज आ रही थी दिन में, किसकी आवाज आ रही थी रात में, लेकिन सारे जानवर मौजूद थे और मेरे जंगल की आवाज पसंद करने वाले कानों को जानवरों का मधुर संगीत और बर्ड्स का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। रात के 8:15 बजे थे और जबरदस्त अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा हो गया था कि इनको अपनी बंदूक का ट्रिगर भी नहीं दिख रहा था, उसको भी इन्होंने फील करके पकड़ा, टॉर्च का स्विच भी नहीं दिख रहा था उसको भी फील किया, और जो थोड़ा बहुत उन्होंने देखा वो अपनी घड़ी की जो रेडियम की लाइट जो होती है उसकी जो हल्की हल्की हरी हरी रोशनी आ रही थी उसमें देखा। अब इनको लगा कि इनको पूरी अपनी ताकत लगानी होगी क्योंकि जिससे मुकाबला है वो टाइगर है, उसके पास में पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा ताकत है, और उसके खानदानी पुरखों का जो एक्सपीरियंस उसके ब्लड में फ्लो हो रहा है वो है। यहाँ मेरे पास जंगल का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं शहर में रहता हूँ, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, तो मुझे जितना पावर लगानी होगी लगानी पड़ेगी। अब मुकाबला ऐसा था कि ये 1 इंच भी नहीं देख पा रहे थे, उसको देखने का सवाल ही नहीं, वो इनको पूरा देख सकता था, ये उसको स्मेल नहीं कर पा रहे थे तो स्मेल तो वो भी नहीं कर पाता इनको। अब इनको टोटली डिपेंडेंट होना था अपने हियरिंग पावर पे, कि जिस तरह से पैर दबा दबा के एक टाइगर चलता है उसको सुनना था, लेकिन एक जो सावधान टाइगर होता है कितना संभाल के चलता है ये वो जानते थे। अब ये बोले मुझे जरा सी भी आवाज नहीं करनी है, अगर जरा सी भी मैंने आवाज की तो उसके सुनने की पावर बहुत तेज है, वो समझ जाएगा, फिर दो ही काम करेगा, या तो वो लौट जाएगा डर के मारे, या फिर मुझ पे शिकार करेगा जो सामने की ओपनिंग है उसमें से सडन अटैक करेगा, मुझे तो 1 इंच भी नहीं दिख रहा है, और मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी कि उसके फूड मेन्यू में अगला आइटम बनूं। अब मच्छरों ने अपना रास्ता खोज लिया था और उनको खून पीने के लिए अच्छा खासा इंसान मिल गया था।
उन्होंने बड़ा दुखी किया इनको। एक कुछ सरकने वाली चीज इनकी जांघों के ऊपर से निकल गई थी, उसके पैर नहीं थे, 100% ये सांप था। ये अपने किसी तरह से इन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, क्योंकि जरा सा भी हिलते वो काट लेता। तो जब वो उतर गया तब इन्होंने राहत की सांस ली। अब इनके गले में खराश होने लगी और इनको खांसने का मन कर रहा था। अब इन्होंने पूरा ध्यान डाइवर्ट किया किसी तरह से भी, और जब तक वो खांसी भागी तब तक मैं समझ लूँ इनकी जान निकल गई। अब 10:25 के करीब रात को इनको एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, फिर वो आवाज़ बंद हो गई। फिर वो आवाज़ इनके राइट हैंड साइड पे आई, बिल्कुल पास में जहाँ ये बैठे थे। अब गुर्राहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, सांस लेने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और एक अच्छा खासा बड़ा सा शरीर इनके सामने से निकला। अब ये उस तरफ जा रहा है कि जहाँ वो शिकार पड़ा हुआ, मारा हुआ आदमी पड़ा है, या उस छेद में से मुझे ही झांक रहा है, क्योंकि मुझे तो अपनी नाक भी नहीं दिख रही है। इनकी फिंगर ट्रिगर पर थी, बंदूक की मजल को इन्होंने ऊपर को उठा लिया था कि अगर वो सडनली अटैक करेगा तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मारेंगे। डर के मारे पसीना छूट रहा था और बहुत अंदर से घबरा रहे थे। डरते डरते इन्होंने टॉर्च का स्विच जला दिया। जैसे ही टॉर्च की बीम पड़ी, देखा आदमी की बॉडी के ऊपर हाइना खड़ा हुआ है, और हाइना ने जैसे ही रोशनी देखी सेकंड्स में गायब हो गया। ये अंदर ही अंदर हंसने लगे, थैंक गॉड मैं सेफ हूँ। अब इनकी पोजीशन ओपन हो चुकी थी और ये सोच रहे हैं कि पक्का मैन ईटर भी आसपास कहीं ना कहीं होगा ही, टॉर्च की रोशनी चमकी है, उसको भी पता चला होगा कि यहाँ टॉर्च जली है, तो मेरी पोजीशन तो एक्सपोज हो गई है, तो मैंने इस टाइम का फ़ायदा उठाता हूँ। फिर उन्होंने गर्मा गर्म चाय पी, थोड़े से इन्होंने अपने हाथ पैर भी आड़े तेड़े करके सीधे किए क्योंकि उसमें नस चढ़ रही थी, और फिर ये फिर से रिलैक्स होकर बैठ गए। फिर अंधेरा था लेकिन अब थोड़े से कंफर्टेबल हो गए थे। अब इनको टाइगर के करहाने वाली आवाज़ और थोड़ा गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। रात के 12 बज रहे थे करीब, और वो आवाज़ आ रही थी करीब 1/4 मील दूर से। तो इन्होंने थैंक्स बोला कि भाई वो टाइगर आ रहा है, आवाज़ करते हुए चुपचाप इन पर निगाह रख के नहीं आ रहा है। अब जंगल में हवा चलने लगी और जो बांस के झुरमुट थे वो हिलने लगे। अब इनके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आने लगा कि अगर हवा जोर से चलेगी तो जो ऊपर इनके सिर के ऊपर बांस है वो तो लटके हुए हैं, उनको सपोर्ट तो है नहीं, आपस में गुथे हुए हैं, ज़्यादा हवा चलेगी तो गिरेंगे। अच्छा, जब काटा भी जाता है तो बांस को ऐसे सीधा नहीं काटा जाता, तिरछे काटा जाते हैं, मतलब एक तरफ से नुकीले होते हैं। बोला वो जब मेरे ऊपर गिरेंगे तो मैं तो भैया छेद कर देंगे मेरे अंदर। लेकिन फिर वो दिमाग से उन्होंने ख्याल हटाया कि भैया पास में मैन ईटर है, तो अभी केवल मैन ईटर पर कंसंट्रेट करो। अब थोड़ी देर में इनको हड्डी के चटकने की आवाज़ आई, तो मतलब वो मैन ईटर उस आदमी के जो अवशेष थे या थोड़ा बहुत बचा था उसको खा रहा था और हड्डी टूट रही थी। अब इन्होंने बड़े संभाल के दोबारा से टॉर्च को उस लाइन पे किया और बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा बटन दबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हुआ यह था कि इनका बल्ब जल गया था। अब इनके पास ऑप्शन था कि बड़े ही संभाल के ऐसे अंदाजे पे निशाना मारे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि राइफल को छोड़ के शॉटगन यूज करता हूँ, क्योंकि शॉटगन में इन्होंने टॉर्च बांध रखी थी, राइफल में खुद इंटरनल सिस्टम था लाइटिंग का। धीरे धीरे संभाल के इन्होंने राइफल रखी और धीरे धीरे ही शॉटगन उठाई। ये ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि टाइगर इनकी तरफ देख ना रहा हो, या जब वो खाना खा रहा है तो उसको उसके कान जंगल की साउंड को नोटिस ना कर रहे हो, लेकिन इनका भाग्य खराब था। जब धीरे 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 उठा रहे थे तो बंदूक की नाल एक बांस में लग गई, हल्की सी खट की आवाज़ आई। अब जैसे ही खट की आवाज़ आई वैसे उसकी जो हड्डी तोड़ने की और मांस को खाने की आवाज़ थी वो भी रुक गई। अब उसके बाद उन्होंने जल्दी से अपनी शॉटगन को डायरेक्शन में लिया और टॉर्च का स्विच दबाया, इस बार वो फेल नहीं हुआ। जैसे ही लाइट पड़ी, सामने धारीदार जानवर बैठा हुआ था, वो टाइगर था। जैसे ही लाइट पड़ी वो उछला और इनके बांस के झुरमुट के पीछे आया, हुआ जोर जोर से दहाड़ने लगा, इतनी दहाड़ की जमीन हिल जाए, क्योंकि एक तो उसको डिस्टर्ब कर दिया गया था और दूसरा वो समझ गया था कि एक आदमी मेरे पास में है। अब इन्होंने जल्दी से अपना पॉकेट से स्पेयर बल्ब निकाला जो कि राइफल की टॉर्च का था, क्योंकि अब तो ये एक्सपोज हो ही चुके थे, हिल सकते थे। उसको अपनी लैब पे रखा, उसका खोला बल्ब, वो किस्मत से बल्ब पीछे की तरफ से खुलता था, उल्टी राइफल नहीं घुमानी थी। जल्दी से बल्ब चेंज किया और वो राइफल अब काम कर रही थी, अब ये तैयार थे सडन अटैक के लिए। अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि टाइगर पीछे से दहाड़ रहा है, सामने आ नहीं रहा है, तो टॉर्च जला के रखनी पड़ेगी। लेकिन टॉर्च अगर पूरी रात जलाए तो दोनों टॉर्च में इतनी बैटरी नहीं है कि जल सके, तो इन्होंने टॉर्च को बंद कर दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तब जलाऊंगा। टाइगर अभी भी दहाड़ रहा था लेकिन वो दूर था, और ये बड़े खुश थे कि भाई तू दूर रह। अब ये पीछे से सिक्योर थे क्योंकि पीछे से बांस का झुरमुट इतना था कि टाइगर उसमें से आ ही नहीं सकता था, फ्रंट में ये अलर्ट थे। रात के 2:30 बजे तक टाइगर की दहाड़ आती रही, उसके बाद शांति छा गई। फिर जब सुबह सुबह जंगली मुर्गा बोला तो उन्होंने धन्यवाद दिया उसको,
क्योंकि यह सुबह के आगमन की सूचना थी। अब सुबह सुबह से उनके आदमियों का शोरगुल इनको सुनाई देने लगा, तो ये इन्होंने चिल्ला के बताया कि हाँ आ जाओ, सेफ है, टाइगर नहीं है। वो आए, ये बाहर निकले, फिर इन्होंने बड़ी अंगड़ाई ली क्योंकि पैर जाम हो गए थे। थोड़ी सी चाय फ्लास्क में बची थी उसको पिया, और पाइप तंबाकू जो इन्होंने नहीं पिया था वो एंजॉय किया। तीनों आदमी अंदर से घबराए थे क्योंकि वो इन्होंने दहाड़े जो सुनी थी टाइगर की, वो समझ गए थे कि इनका अंत हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से वो दहाड़ रहा था गुस्से में, और ये लोग जो पास में चरवाहे थे उनके साथ ही रुके हुए थे, तो अंदर से वहां बैठे बैठे कांप रहे थे। और यहां भी इन सबके चेहरे पे था, क्योंकि सब जंगल के जानकार थे, कि ये उनको उम्मीद नहीं थी कि एंडरसन बचे होंगे। अब बायरा ने बोला कि वो चिनार से मुथुर तक एक वॉक करके जाएगा और अपने शिकारी कुत्ते को लेकर आएगा, वो शिकार में इसकी बहुत मदद करेगा। अब ये जो कुत्ता था भूरा और सफेद रंग का नॉर्मल सा कुत्ता था, और इसको बोला जाता था प्यार से कुश कुश करिया, और ये जो इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा इनको नहीं पता था, ना इन्होंने कभी पता कर पाए। लेकिन जब बायरा इसको बुलाता था तो पहले दो टोन तो नॉर्मल थे कुश कुश, और जब करिया बोलता था तो वो एक जैसे बगुला बोलता है उस तरीके से, करिया ऐसा करके बोलता था। अब ये उसकी नकल नहीं कर पाते थे और उसको कुश कुश ही बुलाते थे, और कुत्ता इनका कहना मानता था। अब इन्होंने बोला कि तुम अकेले मत जाओ, सौरी को साथ ले जाओ, और रंगा को ये लेके आए, यहाँ नहाए, नाश्ता वगैरह किया, कावेरी नदी में नहाया था, और उसके बाद सोए, 2 बजे उठे तब तक में बायरा भी आ गया था, और बायरा के साथ में आ गया था कुश कुश करिया, जो इनको देख के पहचान गया था और अपनी पूंछ हिला रहा था। अब ये वापस उस जगह पे आ गए जहां बास का झुरमुट था, साथ में जो आदमी मरा था उसके रिलेटिव्स भी थे, वो उसकी बॉडी ले जाना चाहते थे लेकिन अकेले आने में डर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। अब जो आदमी के शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि उसके जो रिश्तेदार थे वो ज्यादा दूर नहीं, तो कावेरी नदी के किनारे पे ही उन्होंने दफना दिया उसको। और उसके बाद में जो कुश कुश करिया था उसने टाइगर के फॉलो करने की कोशिश करी, लेकिन बदबू इतनी फैली थी कि उसको टाइगर की स्मेल ही नहीं मिल रही थी। सारे लोग वापस आ गए और कैंप में लौट आए, और सारे लोग बड़े ही डिसअपॉइंटेड थे। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन रंगा मरते मरते बचा। हर दिन रंगा, सॉरी, बायरा और ये एंडरसन जंगल की खाक छानते थे कि कहीं इनका टाइगर से आमना सामना हो जाए। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हर दिन सॉरी, बायरा और एंडरसन जंगल की खाक छानते थे कि कहीं टाइगर से आमना सामना हो जाए। रंगा की ड्यूटी थी कि डेली बेट जाके चेक करो, उसको पानी दो, मतलब भैंस की जो बंधी हुई थी चारा दो। अब उस दिन रंगा ने सुबह जल्दी स्टार्ट किया। सबसे पहले जो बेट बांधी थी, जो उन्होंने भैंस बांधी थी मुंडाची पल्लम के पास में, वो देखा तो बिल्कुल अनटच थी, तो वहां जो साथ में एक आदमी लेके रंगा गया था उसने भूसा वगैरह कैरी किया था, पानी वगैरह डाला। आगे बढ़ चले चिनार रिवर वाली भैंस की तरफ। अब वो जो गांव वाला था आगे आगे चल रहा था, रंगा पीछे पीछे चल रहा था। रोड छोड़ के 1 मील ही चले थे तो इनके सामने तो खड़ा था टाइगर। जैसे ही टाइगर को देखा गांव वाले ने वो भूसा फेंका और जल्दी से बगल वाले एक पेड़ पे चढ़ गया। वो आगे आगे चढ़ रहा था तो रंगा पीछे रह गया। इतनी देर में टाइगर पेड़ के पास आ गया। अब वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया और रंगा जो कि ऊपर चढ़ रहा था उसने पंजा मारा तो कमर में बंधी हुई जो लंगोटी थी वो उसके हाथ में आ गई। पहले तो वो देखने लगा लंगोटी क्या है। जितनी देर में टाइगर का ध्यान बटा रंगा और ऊपर चढ़ गया, उतनी देर में रंगा ने इतनी ताकत लगाई कि वो चढ़ गया। वो तो दूसरा वाला जो गांव वाला था गिरते गिरते बचा। इतनी तेजी से रंगा भागा ऊपर को, भागना ही था। टाइगर बोल रहा था भागते भूत की लंगोटी भली, उसने लंगोटी उतार ली थी रंगा की। उसका कहना था कि एक तो ये मार रहा है, दूसरा बेइज्जत करके मार रहा है। रंगा जितने ऊपर जा सकता था उतने ऊपर चला गया, साथ वाला दूसरा आदमी भी। अब वहां से वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ये टाइगर हमें मारने वाला है, खाने वाला है, और रंगा कह रहा था इसने मेरी लंगोटी भी उतार ली है। उस टाइम पे एक ग्रुप था जो कि अपनी सेफ्टी के लिए साथ साथ चल रहा था, वो कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके थे। वो उन तक ये आवाज आ गई कि यहाँ पे रंगा वगैरह कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे। ये बहुत तेजी से पेन्ना ग्राम की तरफ भागे और वहां आके खबर पहुंचाई कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। अब सॉरी और बायरा लौटे नहीं थे तो ये एंडरसन अकेले ही चले और उस कुएं तक पहुंचे। बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में वहां पहुंच गए। अभी भी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हालांकि इस टाइम तक टाइगर पेड़ के नीचे से जाके जंगल में घुस गया था, लेकिन रंगा लोग उतर नहीं रहे थे क्योंकि उनको नहीं पता था कब वो निकल के वापस आ जाएगा। अब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि ये बोल रहे थे अगर मैं जवाब दूंगा तो मैन ईटर अलर्ट हो जाएगा। तो ये रंगा की तरफ बढ़ते रहे लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल रहे थे। जब एकदम नजदीक में रंगा ने देखा एंडरसन को तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये पास में आ गए थे तो बताया क्यों नहीं। अब ये सारे साथ में टाइगर की तरफ बढ़े लेकिन वो टाइगर का कुछ पता नहीं चल रहा था, पग मार्क से भी आइडिया नहीं लग रहा था, हार्ड सरफेस थी। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा जो बाकी भैंसे हैं उनकी तरफ चलते हैं।
जब वो दोनों भैंसे देखी तो बिल्कुल सही सलामत थी, तो ये फिर ऊटाई मलाई वापस आ गए। और इनको एक बात समझ में आ गई थी कि वो आदमी ही खाने वाला है, उसको भैंस नहीं चाहिए। इनको उसका नेचर ये भी पता था कि जहां वो शिकार करता है वहां दोबारा वापस नहीं आता। तो अंदर अंदर बहुत उदास हो रहे थे कि लग रहा है कि मुंडा छिप्पलम का जो टाइगर है ये मारा नहीं जाएगा, अपने आप ही जब जगह छोड़ के मूव करेगा तभी लोगों को इससे निजात मिलेगी। अब 2 दिन के बाद शाम को 7 बजे 10 आदमी कुएं पे रुके, मछली पकड़ के आ रहे थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि उनको पेन्नाग्राम की चढ़ाई चढ़नी थी। उस दिन इस स्टोरी का अंत हो गया। अब वो जब ग्रुप चल रहा था उसमें औरतें भी थी, एक आदमी को नेचर्स कॉल आई, क्योंकि लेडीज थी थोड़ा दूर गया वो। जैसे ही बैठा वैसे ही गुर्राहट की आवाज आई, अचानक से गोल्डन ब्राउन कलर का स्ट्राइप टेरर आया और वो बैठा हुआ आदमी गायब हो गया। अब बायरा, रंगा, सॉरी और एंडरसन ये अपनी जो भैंसे थे उनको चेक करने जा रहे थे, और उस वक्त किस्मत से 1 मील की दूरी पर ही थे। वो 9 आदमी बहुत तेजी से चलते जा रहे थे, बड़े उदास थे, और उन्होंने न्यूज़ दी कि उनके साथ एक आदमी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो गायब हो गया। तो एंडरसन बहुत तेजी से चलते हुए उस कुएं के पास तक गए। वहां पहुंचे तो रंगा और सॉरी को बोला कि तुम लोग पेड़ पे चढ़ जाओ और मैं जो अगला ऑर्डर दूं उसको फॉलो करना। बायरा और एंडरसन आगे बढ़ते रहे। अभी उस पेड़ के पीछे पहुंच गए जहां वो आदमी नेचर्स कॉल के लिए गया था और जहां से उसको टाइगर ले गया था, वहां से ब्लड ट्रेल मिल रहे थे। उसको फॉलो करते करते ये आगे बढ़ने लगे। अभी दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे तभी थोड़ी दूर आगे जाके इनको हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। अब जो आवाज आई थी थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से आई थी, तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसके कंधे पर हाथ रख के उसको बोला कि जहां हो यहीं खड़े रहो, और ये आगे उस तरफ बढ़े, क्योंकि ऐसे सरकमस्टेंसेज में एक दूसरा बंदा साथ हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको 2 लोगों को प्रोटेक्ट करना है, बंदूक एक है। ये बड़े सावधानी से आगे बढ़ते रहे। हड्डियां टूटने की आवाज और नजदीक से आ रही थी। एक एक कदम देख देख के रख रहे थे, कहीं सूखे पत्ते पे पैर ना रख दें, कहीं कोई ऐसे पत्थर पे पैर ना रख दें जो हिल जाए, आवाज कर दे, या किसी टहनी पे पैर ना रख दें जो कट्टे से टूटे और आफत इनके ऊपर आ जाए। अब काफी टाइम लिया इन्होंने आगे बढ़ने में, और एक कंडीशन में ऐसे पहुंचे जहां से इनको वो टाइगर बैठा हुआ दिख रहा था। अब जैसे ही थोड़ा ही आगे बढ़े तो टाइगर की निगाह इनके ऊपर पड़ी। उस वक्त उसने उस आदमी की बांह उखाड़ी थी, उसके मुंह में उसका पूरा हाथ था। जब टाइगर की आंखें एंडरसन की आंखों से मिली तो टाइगर बड़ा सरप्राइज था, उसने जोर से दहाड़ मगाई। बड़ा ही भयानक दृश्य था, एक तो टाइगर दहाड़ रहा है और ऊपर से उसके मुंह में आदमी का हाथ है। अब 300 ग्राम का बारूद बुलेट की सॉफ्ट नोच के पीछे से मिसाइल बन के चला और सीधे टाइगर की गर्दन में घुस गया। उस आदमी का हाथ नीचे गिर गया, टाइगर गुर्राते हुए आगे गिर गया। पुराने इस्तेमाल की हुई राइफल थी, पूरा भरोसा था। दूसरा ट्रिगर दबा, दूसरी मिसाइल निकली, सीधे हार्ट पे लगी। अब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। अब मैन ईटर टाइगर ऑफ मुंडा छिप्पलम करीब करीब उसी जगह पर मर गया था जिस जगह से उसने अपना मैन ईटर कैरियर स्टार्ट किया था। एक बड़ा सा मेल था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक घटना ने उसको मेल बना दिया था कि जब वो मछुआरा मेटिंग टाइम पे उसके सामने आ गया था, शेरनी को इम्प्रेस करने के लिए उसने उस पर अटैक कर दिया था। ये अपने साथ 2 मछुआरियों को इम्प्रेस करने के लिए सुअर या डियर को उठाने गया था, वहां शेरनी को इम्प्रेस करने के लिए उसने इसको मार दिया था। और आगे के 2-3 घटनाओं के बाद वो मैन ईटर बन गया था शौकिया, क्योंकि उसे पता था कि आदमी में ताकत नहीं होती। अब एंडरसन की वाइफ जो कि परेशान थी दूसरी कार लेके आ गई और इनसे पूछने, तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक घर है और तुम्हारी एक फैमिली भी है। ये तो एंडरसन सबके साथ ही है भाई, इसमें कोई वो नहीं है, ये सवाल तो आता ही आता है। अब उसके बाद ये बायरा को उसके उस गड्ढे में जहां वो रहता था वहां छोड़ने गए। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चा आने वाला था, बड़े ही ग्रैंड तरीके से बच्चा आया। गड्ढे में घास बिछाई गई, उसके बाद में दाई का काम किया उसके हस्बैंड बायरा ने, उसके बाद में चाकू जिसको कि स्टराइल किया गया था आग के धुएं में, उससे बच्चे की नेवल कॉर्ड काटी गई और उसी घास के उसमें घास के जो नेस्ट टाइप का बनाया था उसमें माँ अपने बच्चे को लेके लेट गई। बोले इसी तरीके से इसी फैशन में बायराज पैदा होते हैं जंगल में, इसी तरह से वो जीते हैं, इसी तरह से वो मरते हैं, यही जंगल के असली बच्चे हैं। इसी तरह से बायराज जंगल में पैदा होते हैं, मरते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, जब तक कि
बाहरी दुनिया हस्तक्षेप ना करे, वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, इस पृथ्वी से मुक्ति पाकर ऊपर जाएंगे और वहां आराम से रहेंगे। उस दिन एंडरसन ने वहीं पे एक मोर मारा और उसको जंगल फैशन में ही बनाया, आते हैं सिर पैर वगैरह काट दिए, फिर उसके अंदर एक चाकू घुसेड़ा और उस गड्ढे में मसाला वगैरह डाला, उसके बाद गीली मिट्टी लगा दी उसके ऊपर 1 इंच मोटी, पूरा उसको एक गेंद की तरह से बना दिया। अब उसके अंदर उन्होंने आग जलाई और अंगारे बनाए, उस गेंद को अंगारों पर रख दिया और लकड़ी डाली और अंगारे बन जाए ताकि चारों तरफ से उसको कवर कर दिया। जलती हुई आग नहीं बनानी थी, सिर्फ अंगारे बनाने थे। थोड़ी देर बाद में वो मिट्टी पूरी सूख के टुकड़े हो गई और बाहर गिर गई। अब अंदर केवल उस बर्ड का मांस था, उसको बाहर निकाल लिया कि कहीं वो जल ना जाए। एंडरसन ने बोला, जो टेस्टी मील बना वो अच्छी अच्छी हाउस वाइफ्स को शर्म दिला देगा कि इतना बढ़िया खाना वो नहीं बना पाती। तो दोस्तों, इस तरह से स्टोरी खत्म हुई बायरा द पुजारी। अगली कहानी होगी हमारी लास्ट कहानी एंडरसन की, ये बुक द 9 Man-Eaters and 1 Rogue की आखिरी कहानी, द टाइगर्स ऑफ टगारथी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।